नगर परिषद सुंदरनगर शहर में अपनी किसी भी योजना को फलीभूत करने को लेकर बार बार फिसड्डी साबित हो रही है। इस बात का ताज़ा उदाहरण नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए के पब्लिक फंड को खर्च कर बनाए गए सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। इसमें दुकानदारों के कारण प्रति माह सरकारी खजाने को लाखों रुपए की चपत लग रही है। नगर परिषद द्वारा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण लोगों को एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर किया गया था, लेकिन इस परिसर को स्थापित किए जाने के बावजूद भी अभी तक दुकानदारों से किराए के नाम पर वसूली करने में नगर परिषद असफल रही है। अब नगर परिषद ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है और कानूनी कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा 40 के करीब कारोबारियों को लीगल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अगर कोई कारोबारी नियमित रूप से किराया नहीं देगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उसकी जगह पर अन्य लोगों को दुकान आवंटित कर दी जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो वार्ड नंबर 8 में नगर परिषद द्वारा बनाया गया है, पिछले 1.5-2 साल पहले जो दुकानों की अलॉटमेंट की गई है दुकानदारों को, 74 दुकानें हमारी हैं और 4 हॉल है, अभी हॉल खाली है और जल्दी हॉल भी जो है उनके लिए रेंट करके उन्हें चढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक किराए का सवाल है, थोड़ा सा मंदी के दौर में दुकानदार, कुछ एक दुकानदार नहीं दे पा रहे हैं अभी किराया, उनको हम अगले हाउस की बैठक में इस मुद्दे को लाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, लीगल नोटिस जो भी करना होगा वो बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा जल्दी।